हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट जीबीएम फॉर एएचयू या एफसीयू एंड चिल्ड वाटर पाइप साइज। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में दोनों चीज जानेंगे कि जीबीएम को कैसे हम लोग निकाला जाता है, एएचयू हो या एफसीयू, और उसका जो चिल्ड वाटर पाइप साइज होता है, वो साइज को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, साइज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस बारे में भी हम लोग सीखेंगे बाय चार्ट देख करके। चार्ट के जरिए हम आप लोगों को समझाएंगे। अभी लैपटॉप में आप लोगों को हम चार्ट ओपन करके और उसके जरिए हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग पाइप का साइज को पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीपीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका कुछ देख लेते हैं एग्जांपल, और यहाँ पे कुछ क्या क्या फैक्टर उसका होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर हमारा जो एचयू एफसीयू चिल्ड वाटर पर अगर डिजाइन किया गया है तो उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो जीपीएम है और अपना FPS फीट पर सेकंड ये वेलोसिटी है। तो ये दोनों फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीपीएम का फुल फॉर्म होता है गैलन पर मिनट। ये फ्लो जो हमारा जो एचयू है एफसीयू है, जो उसके अंदर जो पानी का जो फ्लो होता है उसको हम लोग जीपीएम में काउंट करते हैं। और FPS अपना जो है ये वेलोसिटी है, मतलब उसके अंदर का जो उसका स्पीड है, रफ्तार है, उसको वेलोसिटी FPS में हम लोग मेजर करते हैं फीट पर सेकंड में। और जीपीएम निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला होता है TR इंटू 24 बाय डेल्टा T। ये डेल्टा T क्या है वो हम लोग जानते हैं, TR क्या है वो जान लेते हैं। डेल्टा T ये है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर। जो HU या FCU के अंदर जो हम लोग सप्लाई टेम्परेचर इन करा रहे हैं और आउट करा रहे हैं, वो दोनों का बीच का जो डिफरेंस निकलता है वो हमारा डेल्टा T होता है। जैसे कि मोस्टली जो है अभी एग्जांपल हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट। दूसरा हमारा TR है टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, HU के लिए या FCU के लिए। वो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो है कितना TR का FCU बैठा रहे हो, तो हमारा BTU के जरिए या CFM के जरिए कैलकुलेशन करके आया हुआ रहता है कि हम 2 टन का FCU बैठा रहे हैं, 3 टन का या 4 टन का, जितना टन का हम लोग बैठा रहे हैं वो चीज हम लोग यहाँ TR में फिट कर देंगे। CHWR चिल्ड वाटर रिटर्न फ्रॉम FCU एंड HU, CHWS चिल्ड वाटर सप्लाई टू FCU एंड HU। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम 1 TR के लिए ले लेते हैं। ठीक है, 1 TR के लिए इनलेट टेम्परेचर जो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग इसके लिए हमको फारेनहाइट में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग जीपीएम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं सेंटीग्रेड में, लिख दिए हैं सेंटीग्रेड में 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग फारेनहाइट में कैलकुलेशन करते हैं तो 44.6 डिग्री फारेनहाइट आता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा आउटलेट हो रहा है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोस्टली डिजाइन जो है 7 डिग्री एंड 12 डिग्री इसी के हिसाब से किया जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वो 12 डिग्री। तो 2 एग्जांपल हम ले लिए हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर देखिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड आउट कर रहा है इसका, हम लोग जब ये चेक करते हैं फारेनहाइट में तो 53.6 आएगा। डेल्टा टी यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 53.6 एंड 44.6 ये हो जाएगा डेल्टा टी जो हमारा निकला वो 9 डिग्री फारेनहाइट में। अब जीपीएम के लिए हम लोग जीपीएम निकालने के लिए क्या चाहिए, जीपीएम का जो फॉर्मूला होता है जैसे आप लोग यहाँ पर देखें TR इंटू 24 बाय डेल्टा टी। तो TR कितना TR है, 1 TR का है हमारा जो है, 1 TR के लिए हम ये तो 1 TR बैठा दिए इंटू 24 और डेल्टा टी हमारा कितना निकला, 9 निकला। तो अभी जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना निकल जाएगा जीपीएम, 2.67। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ये 1 TR के लिए। इसमें भी इसमें क्या किए हैं, हम आउटलेट जो रिटर्न जो टेम्परेचर है HU का उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, तो अभी आपको मालूम चलेगा। इनलेट जो है 7 डिग्री टेम्परेचर ले लिए 45 डिग्री फारेनहाइट, आउटलेट जो है 12.78 ये हम लोग ले लिए, मतलब 12.5 के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं 12.78 इसका 55 डिग्री फारेनहाइट, ये पॉइंट में था इसके लेकर के हम सीधा 45 डिग्री फारेनहाइट कर लिए 0.4 का, उतना कोई इशू नहीं है। डेल्टा टी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 55 से 45 डिग्री फारेनहाइट में जब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग फारेनहाइट में ही कैलकुलेशन करते हैं, तो सेंटीग्रेड हम आपके लिए बता दिए कि इजी हो। 55 से 45 के अगर हम लोग इसको ये डिफरेंस निकालते हैं तो 10 डिग्री फारेनहाइट निकलेगा। 10 डिग्री में जब हम लोग जीपीएम पर बैठाते हैं तो कितना निकल जाता है, 2.4 जीपीएम हमारा आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा हमने आउटलेट का जो है टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज किया तो हमारा जो है ये जो है जीपीएम जो है यहाँ पे घट गया और यहाँ पे जो है 2.67 ये जीपीएम जो है हमारा बढ़ गया, तो उसके हिसाब से पाइप का साइज भी डिफरेंस होगा। तो अभी हम लोग जो है चार्ट में देखते हैं कि चार्ट के जरिए हम लोग पाइप को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके फ्रिक्शन फैक्टर क्या है वो सब हम लोग चेक करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पर चार्ट ओपन किए हैं, वाटर फ्लो जीपीएम चार्ट करके आप सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सर्च करेंगे तो आपको जो है इजी जो है आपको नेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं, तो उसमें से जो आपको मतलब देखने में अच्छा लगता है मतलब जिसमें समझ में आ जाए वो देख लेते। एक दो हम डाउनलोड किए हैं आपको, वो हम ये करते हैं, ये देखिए यहाँ पर चिल्ड वाटर पाइप, ये एक हम इसको खोल ओपन कर लिए, या फ्रिक्शन लॉस फॉर क्लोज लूप सिस्टम शेड्यूल, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, ये जो है हम लोग मोस्टली जो है हम लोग कितना से रखते हैं 3 से लेकर के 10 के बीच में ही हम लोग इसको रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना सीधे लाइन जो ऊपर गया है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन में जो ये सीधा ऊपर जो गया हुआ है ये हमारा फ्रिक्शन लॉस है, और इधर साइड में जब हम लोग आते हैं ये वाटर फ्लो जीपीएम देख रहे हैं ना, ये वाटर फ्लो जीपीएम जैसे आप जीपीएम अभी कैलकुलेट किए थे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका जीपीएम कितना आया उसके हिसाब से ये है। और दूसरा जो है भी आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का जो लाइन ये क्रॉस किया गया है ये कौन सा है, ये पाइप साइज है, आपका कितना साइज का पाइप लगेगा वो पाइप बताएगा, तो ये जो है ब्लैक कलर वाला पाइप है और ये रेड वाला जो है FES, हाँ फिट पर सेकंड, ये वाटर फ्लो का जो रेशियो है वो आपको जो है ये दिखाएगा, ये रेड रेड कलर का इंडिकेट कर रहा है। तो अभी हम लोग मान लो एग्जांपल एक ले लेते हैं, 20 GPM है, ठीक है, ये 20 GPM जो है हमारा क्या है गैलन पर मिनट है हमारा कैलकुलेशन करने के बाद निकला, और उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन जो वैल्यू जो लेते हैं वो 5 लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं 4 से 10 के बीच में ही लेते हैं मोस्टली, तो हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 लेंगे तो ये सीधा क्या कहते हैं ऊपर हम लोग लेकर के जाएंगे, यहाँ पे आया ना, देख रहे हैं इस जगह पे आया, ठीक है, ये 20 है, 20 से हम लोग सीधा लेकर के आए तो ये यहाँ पे आया नियर अबाउट, ठीक है, और यहाँ ये सीधा 5 में है। तो अभी ये वाला देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, ये ब्लैक कलर का जो ये लाइन है ये जा रहा है सीधा 1.4 में जा रहा है, मतलब ये इंचेस में दिया हुआ है, ये इंचेस में दिया हुआ है 1.4 और ये 1.2 1.4 बोले तो अपना 32 mm आ जाएगा, ठीक है, और ये 1.2 में जो है 40 mm का बीच में आएगा, तो ये साइज़ का हम लोग जो है पाइप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोस्टली जो है हम लोग देखा जाए तो ज़्यादातर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही ये का पाइप लेते हैं, 40 mm का ही हम लोग पाइप लेते हैं, अगर पाइप कम है तो मुश्किल नहीं है, आप क्या करें 1/4 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट को देख करके फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, जीपीएम अगर वैल्यू हमको मालूम है तो उस हिसाब से चेक कर लेंगे। दूसरा एक और बहुत फेमस है लार्जन एंड टिब्रो कंपनी का, ये जो है नेक्स्ट हम लोग लार्जन एंड टिब्रो कंपनी का ये लिमिटेड का देख रहे हैं, इसमें देखते हैं पाइप का साइज जो है ये आपको देखिए 4 फीट अपना फ्रिक्शन लॉस जो है ये 4 फीट पे है और ये 5 फीट पर क्या कहते हैं इधर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसमें तो और भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको दोनों चीज़ दिया हुआ है, 10 डिग्री देखिए यहाँ 10 डिग्री फारेनहाइट पे भी बताया गया है और 9 डिग्री फारेनहाइट भी आपका जो डेल्टा टी है उसके हिसाब से भी जीपीएम कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। 1 TR का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2.67 1 TR का आएगा और 2.4 आएगा जीपीएम जो है अपना 10 डिग्री फारेनहाइट पे। अगर मान लीजिए हमारा 1.4 TR का हमारा लगा हुआ है इक्विपमेंट, तो 1.4 TR अगर आपको मालूम है तो इसमें देखिए पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, जो जीपीएम आ जाएगा वो कितना 4 आ जाएगा, 4 GPM आ जाएगा, इसका mm में अगर इंचेस में देखेंगे तो 3/4 इंचेस में पाइप का साइज आ जाएगा और mm में 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा जो चार्ट में भी हम लोग जो देखे थे 1.4 देखे थे 32 mm में था एंड 1/2 ये 40 mm में हमारा साइज था,
तो इस हिसाब से हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर पे वेलोसिटी लिखा हुआ है सब कुछ ये वगैरह, फिर वो 5 फीट पे भी फ्रिक्शन लॉस जो है उस पे भी ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वैल्यू, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। और ये जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा टन का लगाया हुआ है इक्विपमेंट ना, उसके लेकर के यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, उसके हिसाब से पाइप का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा बताने का आज मकसद ये था कि हम लोग चार्ट में देख करके पाइप का साइज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वाला थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा ईजी भी है, इसके ज़रिए हम लोग ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाला चार्ट को देख करके। तो चले आज का वीडियो मेरा बस यही था आप लोगों को बताने के लिए, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर और भी कुछ डाउट्स है, कुछ पेंडिंग रह गया तो आप लोग बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स में करें, और अगर कुछ जानना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।